आज आप किसी को समझाए ना कि 3 लाख रुपए कमाने महीने के, 10 लाख रुपए कमाने, तो पहला जवाब आता है ये तो हो ही नहीं सकता। देखो फ्रीलांसिंग का फ्यूचर बहुत ब्लीक है, बहुत डार्क है, बड़ा तारीक है। 84% हमारे लोग जाहिल हैं। पाकिस्तान में अगर आप ई कॉमर्स में छाना चाहते हैं तो आपको 2 से 10 बिलियन डॉलर्स चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद फैसल रियाज और टाइम्स फ्लो के स्पेशल एपिसोड के साथ हमारे साथ हैं मिस्टर इम्तनान। सर ये बताएं कि महीने के 10 लाख कैसे कमा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी फैसल। देखो ये जो 10 लाख रुपए है ना, 10 लाख रुपए महीने के कमाना, यानी अगर साल के 12 महीने आपने 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाना है, यार ये मुश्किल नहीं है। सिर्फ उसके लिए जो तरीका कार है ना, आपने ये सोचना है कि आप काम क्या कर रहे हैं, और उस काम में इतने पैसे अगर नहीं बनते तो कोई नई अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। मेरे पास इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 84,000 स्टूडेंट्स हैं, और जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने लोग एंटरप्रेन्योर्स बन चुके हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, उनको मैंने सिर्फ एक ही बात समझाई थी। वो अंग्रेज़ी की बड़ी प्यारी कहावत है, वो कहते हैं कि इफ़ यू ऑलवेज डू व्हाट यू ऑलवेज डिड देन यू ऑलवेज गेट व्हाट यू ऑलवेज गॉट। अगर सारी ज़िंदगी वही करते रहोगे जो सारी ज़िंदगी करते आए हो, तो सारी ज़िंदगी वही मिलेगा जो सारी ज़िंदगी मिलता आया है, और वही नहीं चाहिए। तो अगर आप ज़िंदगी में काम करने निकलें और महीने के 30 लाख रुपये भी नहीं बन रहे, और आप बात कर रहे हैं 10 लाख रुपये कमाने, तो कुछ बदलना पड़ेगा ना, कुछ हट के करना पड़ेगा, कुछ नया ट्राई आउट करना पड़ेगा। सो पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, बात यह है कि आप अप्रोच क्या लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ई कॉमर्स में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपने कारोबार में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, छोटी फैक्ट्री में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फूड बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन किसी एक नीश को फोकस करना पड़ेगा। और प्रॉब्लम यह है कि ये जो पूरा फलसफा है ना, ये समझाने के लिए किसी के साथ बैठना पड़ता है, ताकि उसकी अकल शरीफ में ना कोई बात समझ में आए। जिसको समझ में आती है, जैसे ये 84,000 लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बेड़ा पार कर जाते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से जहालत इतनी है कि हम पहले ही कोई चीज़ सोचने से पहले ना उसको इनकार कर देते हैं, इतने हम जजमेंटल हैं। आप कभी ज़िंदगी में ना किसी से मशवरा करके देखें, अनफॉर्चुनेटली अपने लोग हैं ना, इसलिए दिल कुड़ता है, तो बार बार मैं शिकायत भी करता हूँ कि भाई ये आदतें बदलो। पार पूरी दुनिया घूम ली, पूरी दुनिया में काम कर लिया, वहाँ पर देखा कि लोग जजमेंटल नहीं होते। आप यहाँ पर किसी से मशवरा करें ना, आपको ऐसे ऐसे रास्ते बताएंगे, नहीं नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा, अरे तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे। तो इतनी मुश्किलात पैदा कर दी हैं कि आज आप किसी को समझाए ना कि 3 लाख रुपए कमाने महीने के, 10 लाख रुपए कमाने, तो पहला जवाब ये आता है ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों आता है ये जवाब क्यों नहीं आता, यार ये कैसे हो सकता है, ये क्या तरीक़ाकार है। सो तरीक़ाकार बड़ा सिंपल है, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में देखें कि अगर ये पैसे नहीं बन रहे, अपनी डायरेक्शन बदलें, और उस डायरेक्शन के अंदर ये सोचें कि आज ये डायरेक्शन किन किन फील्ड्स में मौजूद है, और उन फील्ड में ऐसा क्या करना पड़ेगा। हो सकता है कहीं पर नीश पे फोकस करना पड़े, हो सकता है कहीं पर प्रोडक्ट्स सेल आउट करनी पड़े, हो सकता है कहीं पर फूड बिजनेस करना पड़ जाए। थोड़ा सा रास्ता बदलो, जो कर रहे हो उस अप्रोच से मसले हल नहीं होते। देखो पाकिस्तान का प्रॉब्लम आज हमारे सामने है, ये 75 सालों में हमने इस मुल्क को जिस दहेज पे पहुंचा दिया है, आज हम सोचते हैं यार इंपोर्ट बंद कर दें मसला हल हो जाएगा, यार डॉलर रोक लें मसला हल हो जाएगा, यार हम ऐसा करें बाहर की कंपनियां बुला लें मसला हल हो जाएगा। जो अप्रोच आप पिछले 75 साल से चलाते रहे हैं वो नहीं चल रही है, कुछ तो गड़बड़ है ना, तो वो अप्रोच बदलनी पड़ेगी। जब तक अप्रोच नहीं बदलेंगे, काम करने का तरीका नहीं बदलेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। तो आपने 1 लाख रुपये कमाना हो, आपने 10 लाख रुपये कमाने हो, हर चीज़ मुमकिन है, हर चीज़ पॉसिबल है। मैं एक चीज़ जो अपने सोशल मीडिया के जितने चाहने वाले हैं ना, कंटेंट कर करके वीडियोस बना बना के एक चीज़ जो उनको समझाना चाहता हूँ ना, हर चीज़ हो सकती है, हर चीज़ मुमकिन होती है। भाई 1-3 मरले के मकान से उठकर आज जिस मकाम पर रब ने मुझे पहुंचाया है, मैं पहुंच सकता हूं, ये उससे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो ये 10 लाख रुपए कमाने को बड़ी साइंस नहीं है, कमाए जा सकते हैं, लेकिन अप्रोच बदलने का फैसला करना पड़ेगा। जिस दिन ये फैसला कर लेंगे ना कि हमें कुछ हटके करना है, उस दिन 10 लाख क्या 10 करोड़ भी बन जाएंगे। आपके ख्याल में फ्रीलांसिंग का क्या फ्यूचर है? देखो फ्रीलांसिंग का फ्यूचर बहुत ब्लीक है, बहुत डार्क है, बड़ा तारीक है, ठीक है। और ये बात आज नहीं कह रहा हूं मैं, ये बात पिछले 4 साल से रेगुलर कर रहा हूँ, और शायद पाकिस्तान में मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँगा जो चीख चीख के बार बार ये बात कर रहा है कि इस कौम को पुठे पासे मत लगाओ,
पूरी कॉम को उठाकर फ्रीलांसिंग में मत झोंक दो। आज हमने सबको उठाकर फ्रीलांसिंग में झोंक दिया, बदकिस्मती से। आज आप किसी भी स्टूडेंट से जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं ना, आप पूछे यार क्या करना चाहते हो, ये फ्रीलांसिंग का बड़ा नाम सुना है, ये अमेजोन का बड़ा नाम सुना है, ये ई कॉमर्स का बड़ा नाम सुना है, भाई ये करने वाले काम नहीं है और ये हर एक के करने वाले काम नहीं है, ये बात कोई नहीं समझाता। क्योंकि लोगों का चूर्ण बिकता है ना, लोगों की चीज़ें बिकती हैं, इसलिए लोगों को ये बातें करते हुए अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन रियलिटी क्या है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में बदकिस्मती से फ्रीलांसिंग का कोई बहुत अच्छा स्कोप नहीं है, बहुत अच्छा फ्यूचर नहीं है। उसकी वजह है, देखो उसकी वजह ये है कि हम इस फ्रीलांसिंग की कार्रवाई में, हम इस फील्ड में कब एंटर हुए, हम आज एंटर होने की बात कर रहे हैं, 2023 में इस फील्ड में एंटर होने की बात कर रहे हैं। ये फील्ड उन लोगों के लिए था जिन्होंने 1990 में, 99 में, 2000 में, 2005 में जो इस फील्ड में आए, जो इस फील्ड में छा गए। वी हैव मिस्ड द बैंड वैगन, वी आर टू लेट इन दिस फील्ड। आज आपके सामने बड़े खूबसूरत खूबसूरत AI की प्रोडक्ट्स मौजूद है, ChatGPT है। आप कितना कंटेंट राइटिंग, सारी ज़िंदगी अंग्रेज़ी सीखेंगे, अंग्रेज़ी की पंक्चुएशन सीखेंगे, अंग्रेज़ी की पंक्चुएशन सीखने के बाद अच्छे आर्टिकल्स लिखेंगे, फिर अच्छे आर्टिकल्स लिखने के बाद उसके अंदर SEO के कीवर्ड डेंसिटी करेंगे। इतना फील्ड सीखने के बाद जब आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से काम लेंगे तो पता चलेगा ChatGPT वही काम आपको एक सेकंड में करके दे देता है। तो कहाँ गया आपका सारा फील्ड, आपका तो सारी कंटेंट राइटिंग एक दिन में आउटडेट हो चुकी है। और जितने लोग इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग में भी जा रहे हैं, बहुत जल्दी वो भी आउटडेट हो जाएंगे, क्योंकि अभी AI की बहुत सी प्रोडक्ट्स इसी साल आपको देखने को मिलेंगी। तो ये फील इज टू लेट फॉर अस, फ्रीलांसिंग चल सकती है। फ्रीलांसिंग में जो पुट्ठा अप्रोच है ना पाकिस्तान की, जो स्किल्स की अप्रोच है, ये अप्रोच नहीं चल सकती। फ्रीलांसिंग इज नॉट बैड, द स्किल्स वी आर ट्राइंग टू गेन, दैट इज बैड। कॉन्टेंट राइटिंग मेरी नज़र में कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि ये काम बॉट्स करने को तैयार है। मेरे आर्टिकल्स, मैं जितने आर्टिकल लिखता हूँ, मैं अपने सारे आर्टिकल कॉपी AI पे लिखता हूँ, मिनट में मेरा आर्टिकल तो रेडी हो जाता है, जिसके लिए मुझे 60 से 70 हज़ार रुपये का बंदा रखना पड़ता था। और वो आज छुट्टी करेगा, आज वो आएगा, आज वो नहीं आएगा, आज लिखा गया, आज नहीं लिखा गया। द सॉफ्टवेयर इज डूइंग इट एंड AI इज़ वेरी गुड इन दिस फील्ड। सो हमारा फोकस AI की तरफ होना चाहिए था, हमारा फोकस इन फील्ड्स की तरफ नहीं होना चाहिए था। फ्रीलांसिंग जिसको करनी है ना, करने को तो आज भी कर सकता है, चार पैसे कमा सकता है। बट अगर मेरे जैसे आदमी को भी पता है कि ChatGPT ये कर रहा है, AI ये कर रही है, AI के इतने टूल्स हैं, तो ये सोचो कि फ्रीलांसिंग में जो आप लोगों को जॉब्स दे रहे हैं, जो गोरे बैठे हैं, क्या उनको नहीं पता है कि ChatGPT है? क्या उनको नहीं पता है AI के टूल्स हैं? पहले वो किसी पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली को समझाएंगे कि उनको कॉन्टेंट राइटिंग चाहिए किस तरह की, फिर वो पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली आर्टिकल लिखेगा, फिर उस आर्टिकल में वो अंग्रेज़ उसमें से गलतियाँ निकालेगा, भाई वो अंग्रेज़ ChatGPT से करा लेगा, वो अंग्रेज़ कॉपी AI से करा लेगा। सो ये फील्ड आउटडेट हो चुका है। चाहे तो आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध कर कह लें कि बिल्ली नहीं है, ठीक है, तो कबूतर को ये महसूस हो गया कि वाकई बिल्ली नहीं है। बट रियलिटी भाई, सीधी बात, नो बकवास, रियलिटी ये है कि कॉन्टेंट राइटिंग इज़ गॉन एंड वेरी सून डिजिटल मार्केटिंग विल गो एज वेल। तो पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसर्स के जो सबसे ज़्यादा एप्पल ऑफ द आई फील्ड थे, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, दैट इज़ गॉन। हाँ, अगर AI में आप काम कर रहे हो और आप फ्रीलांसर हैं, आप साइबर सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं, आप फ्रीलांसर हैं, आप क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम कर रहे हैं, आप फ्रीलांसर हैं, दैट कैन वर्क। लेकिन वो स्किल इनको आता नहीं है। पाकिस्तान जिसका 84% आबादी, 84% हमारे लोग जाहिल हैं, और ये जहालत की जो टर्म है ना, ये बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। जहालत से मुराद क्या है? ये वो लिटरेसी नहीं है। अमेरिका में लिटरेसी का स्टैंडर्ड ये है कि आप कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, आप लिटरेट हैं, आप अंग्रेज़ी लिख सकते हैं, आप लिटरेट हैं। पाकिस्तान में लिटरेसी का स्टैंडर्ड क्या है? कि आप अपना नाम उर्दू में लिख सकते हैं और अखबार की हेडलाइन पढ़ सकते हैं तो आप लिटरेट हैं। और इस डेफिनेशन पर 84% पॉपुलेशन नहीं उतरती है। अलार्मिंग। ऐसे लोगों को आप ये कह रहे हैं कि ये फ्रीलांसिंग में गोरों से काम लेंगे? या आप किस किस दौर की बात कर रहे हैं और आप किन लोगों की बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ बदकिस्मती से तालीम नहीं है, और जब तालीम नहीं होती है ना, तो ये फील्ड नहीं चलते। फ्रीलांसिंग इज गुड फॉर 2% और 1% ऑफ द पॉपुलेशन। वो जो 500,000 ग्रेजुएट हम हर साल प्रोड्यूस करते हैं ना, उनमें से 50,000 लोग शायद फ्रीलांसिंग करने को तैयार होंगे, उनके लिए बड़ा अच्छा स्कोप है। लेकिन जो 4.5 लाख ग्रेजुएट है ना, जिनकी अंग्रेज़ी भी नहीं है, जिनका स्किल सेट भी नहीं है, अगर मैं ये कहूँ कि यार मैं उनको भी फ्रीलांसर बना सकता हूँ, आई एम वेस्टिंग देयर टाइम एंड आई एम लाइंग।
और ये सच, ये हकीकत कोई बताने को तैयार नहीं है। एंड फॉर दैट रीज़न मेरी नज़र में फ्रीलांसिंग का इतना स्कोप नहीं है जितनी बात की जा रही है। सो इट्स हाईली ओवर रेटेड आई वुड से। सर, पाकिस्तान में जो ई कॉमर्स बिजनेस है, कुछ ई कॉमर्स बिजनेसेस चल रहे हैं और कुछ ई कॉमर्स बिजनेसेस कुछ लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस का क्या स्कोप है पाकिस्तान में और क्या फ्यूचर है? देखो, ये जो स्कोप की बात है ना, इसमें मेरे सारे इल्म को, मेरी सारी बातों को, मेरे सारे तजुर्बे को आप रद्दी कर दें, कोई मसला नहीं, ठीक है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दराज है, ठीक है, और दराज B2C कॉमर्स में सबसे बड़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने लॉन्च किया bachao.pk जो कि B2B कॉमर्स में बहुत बड़ा प्लेयर है। बात यह है कि आप मेरे सारे काम को, इवन bachao.pk के जितनी एफर्ट्स हैं पाकिस्तान में ई कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए, उसको एक मिनट के लिए साइड पे कर दें, दराज के CEO की बात करते हैं, उनके इंटरव्यू की बात करते हैं, उनके जवाब की बात करते हैं कि अगर आप पाकिस्तान में, एंड दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज़ व्हाट ही इज़ सेइंग, पाकिस्तान में अगर आप ई कॉमर्स में छाना चाहते हैं तो आपको 2 से 10 मिलियन डॉलर्स चाहिए, ठीक है। क्या आज पाकिस्तानियों के पास इतने पैसे हैं? अगर आप अपना कारोबार शुरू करते हैं, आप 2 से 10 मिलियन डॉलर लगाएंगे? नहीं। क्या आपके पास 2 अरब 4 अरब रुपए पड़े हैं इस काम के लिए? नहीं। ये काम बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, बड़ा ई कॉमर्स प्लेयर करने के लिए इतना पैसा चाहिए, क्योंकि आपको एड्स पे पैसा चाहिए, आपको SEO की टीम्स पे पैसा चाहिए, आपको प्रोडक्ट फोटोग्राफी पे पैसा चाहिए, आपको सप्लाई चेन बनाने के लिए पैसा चाहिए, इतना पैसा नहीं है। तो जितना काम ई कॉमर्स में हो रहा है आज पाकिस्तान में, हाँ, वो इस काबिल ज़रूर है कि आप महीने के 2 लाख 3 लाख 4 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हैं महीने का, एंड दैट इज़ स्टिल नॉट बैड। वो ये काम कर सकती है और वो ये काम कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बहुत सारे चाहने वाले कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, फॉलोअर्स ये काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आज बेटा आप 4 लाख 5 लाख रुपए कमाने के काबिल हो गए हो, एक दिन आएगा अगले 2-4 महीनों में कि आप 50 लाख पे पहुँच जाएंगे, दैट्स अ कॉटेज इंडस्ट्री, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। स्केलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि स्केलेबिलिटी के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, वो इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं है। 20-30% मार्जिन पर ई कॉमर्स ऑपरेट करती है इस मुल्क में। अगर 20-30% मार्जिन है तो इसका मतलब है कि अगर रोज़ भी सेल होती रहे तो आपको 100% पैसा पूरा करने के लिए 3 से 4 महीने चाहिए, यानी साल में आप मुश्किल से 3 से 4 सर्कल कर पाएंगे। तो इतनी इन्वेस्टमेंट पुल अप करना आसान नहीं है। और दूसरा, जो पाकिस्तान में प्रोडक्ट ओनर है, जो दुकानदार है, जो इम्पोर्टर है, वो इतना एजुकेटेड ही नहीं है, उसको कभी किसी ने जाकर तालीम दी नहीं है। तो जितनी ई कॉमर्स हो रही है ना, ये रिटेल एंड पर हो रही है, ये सप्लाई एंड पर नहीं हो रही है। ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये लोगों को समझ में आनी चाहिए कि ई कॉमर्स चल किस तरह आ रही है इस मुल्क में। यहाँ पर ई कॉमर्स ये नहीं चल रही है कि मैं एक बहुत बड़ा इंपोर्टर था, मैंने चीज़ें इंपोर्ट की या मैन्युफैक्चर की, मैंने मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और मैं ई कॉमर्स पर भी बेच रहा हूँ। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ई कॉमर्स ये हो रही है कि आप एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, आपने सोचा यार मैं भी 4 पैसे कमाता हूँ, आप मैन्युफैक्चरर के पास नहीं गए, आप इंपोर्टर के पास नहीं गए, आप उसके बाद इवन होलसेलर के पास नहीं गए, आप रीजनल होलसेलर के पास भी नहीं गए, आप गए दुकानदार के पास। यानी इन सब ने अब पैसा ऐड करके चीज़ को पहले महंगा कर दिया, आप गए दुकानदार के पास और आपने कहा मुझे प्रोडक्ट दे दो, मैं ऑनलाइन बेचता हूँ, और आपने अपना मार्जिन भी ऐड कर दिया। वो प्रोडक्ट जो 10 रुपए की चली थी, दुकानदार तक आते आते 100 रुपए की हो चुकी है, आपने 50 बीच में अपने डाले और अब आप 150 की बेचने निकले। तो पाकिस्तान में ई कॉमर्स पर जो चीज़ बिकती है ना, वो महंगी होती है, जिसकी वजह से कस्टमर ख़रीदता नहीं है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन बैक पे होनी चाहिए थी, ये इंटीग्रेशन इंपोर्ट लेवल पर होनी चाहिए थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो इंपोर्ट लेवल पर बैठा है वो एजुकेटेड नहीं है, और जो एजुकेटेड है उसकी एक्सेस वहाँ तक नहीं है। सो ई कॉमर्स का इस तरीके से देखोगे ना, तो कभी कोई फ्यूचर नहीं होगा। अकलमंदी तब है ई कॉमर्स में कि जो एक स्टूडेंट उठकर अपने ई कॉमर्स स्टोर बना रहा है, वो इम्पोर्ट लेवल पर जाकर निगोशिएट करे, वो प्राइसेस दे। जब तक वो नहीं होगा, पाकिस्तान में इम्पोर्ट हमेशा महंगी रहेगी, पाकिस्तान की ई कॉमर्स हमेशा महंगी रहेगी। और जब एक आम यूज़र को पता चलता है यार ये चीज़ बाज़ार में 100 रुपए की मिलती है और ये वेबसाइट पर 150 की मिल रही है, मैं कहाँ जाऊँगा? मैंने पैसा बचाना है तो मैं दुकान पर जाऊँगा। इसलिए ई कॉमर्स इज़ नॉट वेरी ग्रेट इन पाकिस्तान राइट नाउ, बट ये बेहतर हो सकती है, ये अच्छी की जा सकती है। बट जितनी भी अच्छी कर लो, ये कहना कि इसमें अरबों रुपए बन जाएंगे, नहीं, इसमें 50 लाख 10 लाख 20 लाख, इस स्फेयर में खेलती है एक आम आदमी की ई कॉमर्स। हाँ, अनलेस इंपोर्टर खुद ई कॉमर्स कर रहा है, मैन्युफैक्चरर खुद ई कॉमर्स कर रहा है, बट वहाँ पर लिंकेजेस ही नहीं है, वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पा रहा। तो जब तक वो पहुँचेगा नहीं, ये बेचारी लूली लंगड़ी तरीके से ई कॉमर्स चलती रहेगी, जैसे कि इस वक्त चल रही है।
अच्छा, अगर सर ई कॉमर्स स्टोर्स को देखें तो वहाँ पे हम कोई चीज़ मंगवाते कोई चीज़ है तो आती कोई चीज़ है, ये सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान में कि जो बायर है उसका ट्रस्ट मतलब हट चुका है ई कॉमर्स जो भी है परचेजिंग ई कॉमर्स की, तो आपके ख्याल से कि क्या करना चाहिए और इस पाकिस्तान को क्या मेजर्स ऐसी लेनी चाहिए कि उस चीज़ से बचा जा सके? देखिए, ये मेजर पाकिस्तान को या सरकार को नहीं लेने, ये मेजर किसी भी ई कॉमर्स स्टोर को लेने हैं। लोगों का ट्रस्ट बिल्टअप करना एक मुश्किल अमल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता, और ये ट्रस्ट बड़ी हद तक बिल्टअप हो रहा है। और वो किस तरह हो रहा है कि बहुत सारी कोरियर कंपनीज़ ने अब चेक ऑन डिलीवरी के ऑप्शन दे दिए कि भाई आपके घर पर चीज़ आएगी, उसको चेक कीजिए, और चेक करने के बाद आप अगर आप खोलते हैं और आपको अच्छी लगती है तो फिर रख लीजिए। तो वो चेक ऑन डिलीवरी के बाद पाकिस्तान में ई कॉमर्स बढ़ी है और बहुत सी कोरियर कंपनीज ये सर्विसेज देती हैं। अगर मैं होलसेल लेवल की बात करूँ तो मेरे ख्याल में 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। अगर मेरा ई कॉमर्स स्टोर है और मैं अपनी कोरियर कंपनी से कहता हूँ कि मेरे कस्टमर्स को चेक ऑन डिलीवरी की सर्विसेज दो, तो मुझे पर प्रोडक्ट 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। दैट्स फाइन फॉर ट्रस्ट आई कैन बिल्ट अप, क्योंकि मेरे लिए मेरे पास ये बहुत बड़ा कह लीजिए कि USP है बेचने के लिए कि मैं अपने कस्टमर को कह सकता हूँ चेक ऑन डिलीवरी है। तो ट्रस्ट बिल्टअप हो जाता है ट्रस्ट में, लेकिन टाइम लगता है। तो ट्रस्ट की वजह से ई कॉमर्स नहीं फैल रही या कम हो रही, ट्रस्ट पहले भी था लोगों का, ट्रस्ट कम हो जाता है फिर बढ़ जाता है, फिर किसी प्लेटफॉर्म पे कम हो जाता है किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे बढ़ जाता है। जो सस्ता देगा वहाँ प्लेटफॉर्म पे लोग खुद ब खुद जाएंगे, जो महंगा होगा वहाँ से निकल जाएंगे, जो एलीट है वो महंगे प्लेटफॉर्म पे चली जाएगी। तो ये कैट एंड माउस गेम है, ये हमेशा रहेगी। एक प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट और दूसरे प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट बहुत फ़र्क है। एक चीज़ होती है जिसको आप कहते हैं कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स में कोई ट्रस्ट ही नहीं करता, ठीक है, जब सबा के मोबाइल पे मैसेजेस आते हैं ना कि टॉपअप करा दो तो कोई ट्रस्ट नहीं करता, ये अक्रॉस द बोर्ड यूनिवर्सल है। लेकिन पाकिस्तान में ई कॉमर्स पर ट्रस्ट ना होना यूनिवर्सल नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पे हम ट्रस्ट नहीं करते लेकिन इस पे करते हैं, तो ये चल रहा है भाई। तो जब तक चेक ऑन डिलीवरी बेहतर होगा चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। सो ये बड़ा मसला नहीं, छोटा मसला है, ये मार्केटिंग से हल किया जा सकता है। अगर कोई इंडिविजुअल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे बड़ी एडवाइस आपकी क्या होगी उसके लिए? देखिए, अगर डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरी सबसे बड़ी एडवाइस ये होगी कि जितने गुरुज हैं इनको सुनना बंद कर दो, ठीक है, और एक पर्टिकुलर नीश में ऑपरेट करो। पाकिस्तान में डिजिटल एजेंसी शुरू करना मुश्किल नहीं है, सबसे आसान है। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई लॉज नहीं है, जिसका दिल करे पत्थर उठाए एजेंसी शुरू कर दे, दो दोस्तों को साथ मिलाओ एजेंसी शुरू हो गई। एजेंसी शुरू करना मसला नहीं है, क्लाइंट क्लोज करना भी मसला नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान में डिजिटल बड़ा मज़ेदार फील्ड है। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ने डिजिटल एजेंसी शुरू की हुई है और आई एम रनिंग टू एजेंसीज माई सेल्फ। पॉइंट बड़ा सिंपल है, ये वो फील्ड है जिसमें क्लाइंट भी बड़े आराम से मिल जाता है, और ये वो फील्ड है जिसमें काम एग्जीक्यूशन यानी कि कारोबार शुरू करना भी बहुत आसान है। इस फील्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो एग्जीक्यूशन है, काम एग्जीक्यूट करके दोगे कैसे। आज आप मेरे पास आते हैं कि सर मुझे 25,000-30,000 रुपये महीना दिया करें, मैं आपका सोशल मीडिया मैनेज कर लेता हूँ। गुड, पकड़ो शुरू करो। अच्छा सुनो, मेरी फेसबुक की पोस्ट का क्या बना? अच्छा वो मेरी स्टोरी का क्या बना? अच्छा मुझे ग्राफिक तो दिखाओ कैसा बना? अच्छा ये काम होगा कैसे? अच्छा सुनो मेरा कॉन्टेंट तो भेजो। ये तो इतना सारा काम है, आपसे मैनेज नहीं हो रहा। तो जब तक आपके पास एक अच्छा ऑपरेशंस का हेड नहीं है ना, डिजिटल एजेंसी नहीं चल सकती है। डिजिटल एजेंसी सेल पर नहीं चलती है, डिजिटल एजेंसी अच्छी प्रोडक्ट पे नहीं चलती है, डिजिटल एजेंसी अच्छे ऑपरेशंस पे चलती है। जितना अच्छा आपका कन्वेयर बेल्ट होगा, मेरे पास एक कंटेंट राइटर है, उसने 5 क्लाइंट्स का काम करना है, उसके बाद उसने स्विच करना है ग्राफिक्स पे। ग्राफिक वाला जो है मेरा, वो ग्राफिक डिज़ाइनर, वो 15 इमेजेस पर डे खींच रहा है लेकिन उसकी कैपेसिटी 40 इमेजेस तक करने की है। ओके, समझ में आता है कि आप कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप क्लाइंट लेते हैं और क्लाइंट का काम फिर एग्जीक्यूशन में चला जाता है और फिर समझ नहीं आता, अच्छा आज उसकी पोस्ट करनी थी, आज क्या करें, वो तो क्लाइंट के फ़ोन आ रहे हैं, ठीक है, तो ये काम नहीं चल सकता। इसलिए मैं 2-3 एडवाइजेस करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी और सारी दुनिया को भी कि अगर आपने डिजिटल एजेंसी शुरू करनी है तो नंबर वन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके पास एक अच्छा ऑपरेशंस का हेड होना चाहिए। देखो ये जो कहते हैं ना वन मैन शो, मेरा तो कभी इस पर ईमान नहीं रहा। मेरा ये मानना है कि कोई भी कारोबार करने के लिए, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कारोबार को तरक्की देने के लिए, कभी भी कुछ भी करने के लिए एक आदमी अकेला कुछ नहीं होता है। एक अच्छी कंपनी चलानी है, एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलानी है, आपको 3 बंदे चाहिए। कोई भी कारोबार करना है आपको एक आदमी नहीं चाहिए, आपको 3 लोग चाहिए। नंबर वन आपको चाहिए एक CEO जिसका काम है विजन, उसने विजन देनी है कि ये काम करना क्यों है, इसका फायदा क्या होगा,
इस काम को एग्जीक्यूट कैसे कर, वो सीईओ है, उसका काम है विजन देना। फिर आपको चाहिए एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीओओ, जिसका काम ये काम होगा कैसे। क्लाइंट तो आ गए 10, अब इनमें से ग्राफिक्स किसके करने हैं और इसमें से कंटेंट किसका करना है और कब करना, ये काम होगा कैसे। यू नीड अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। और फिर आपको फाइनली वो बंदा चाहिए जिसने वो काम करना है, कि मैं ग्राफिक्स वाला, मेरा काम सिर्फ यही करना है। स्टीव जॉब्स का काम एप्पल में कंप्यूटर बनाना नहीं है, उसका काम सॉफ्टवेयर लिखना नहीं था, उसका काम विजन देना था। स्टीव वॉजनियाक बैठा होगा कि जो उसको ऑपरेशंस में कन्वर्ट कर रहा होगा, और फिर पूरी एक आईटी की टीम होगी जो उसको एग्जीक्यूट कर रही होगी। अकेला आदमी, अकेली जात कुछ नहीं होती है, यू नीड 3 पीपल। प्रॉब्लम ये पाकिस्तान में, जितने लोग एजेंसी शुरू करते हैं उनके पास ये 3 लोगों की टीम इकट्ठी नहीं हो पाती है। जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं दैट्स द बेस्ट टाइम, तब पता होना चाहिए कि अगर इफ आई एम द सीईओ, ये जो मेरा दोस्त है ना, ये बड़ा अच्छा ऑपरेशंस को हेड कर सकता है, ये जो है ये काम बड़ा अच्छा कर सकता है। देखो यार, घरों में शादी ब्याह होता है, बहन भाइयों की शादियाँ होती हैं, वालदैन का काम क्या होता है, वो विजन पे होते हैं कि लड़के वालों से, लड़की वालों से क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है, किस तरह से चीज़ों को लेके चलेंगे, इवेंट्स कब होंगे, ये उनका काम। जो बड़ा भाई होता है ना आपका, वो ऑपरेशंस में होता है, उसको पता होता है कि भाई होटल का क्या करना है, फोटोग्राफर का क्या करना है, वो एग्जीक्यूट कर रहा है। शादी ब्याह का क्या होगा, टेंट कहाँ लगेगा, वो उसका काम एग्जीक्यूशन है, उसका काम विजन वाला नहीं है, वो जाकर जहेज की बातें नहीं करेगा, ठीक है, वो काम वालदैन करेंगे, ठीक है। तो हर एक का एक काम होता है। और फिर आप होते हैं जिसका काम होता है, सुनो, फोटोग्राफर को टाइम पे शादी पे ले आना, ठीक है। तो ये सब कार्रवाई क्या है, अगेन यू नीड 3 पीपल टू एग्जीक्यूट। तो पहली चीज़ तो ये कि अपनी टीम ठीक बनाओ, ऑपरेशंस का बंदा लेकर आओ। दूसरा जो मेरा उनके लिए मशवरा है, वो मशवरा ये है कि नीश में ऑपरेट करो, हर किसी का काम नहीं पकड़ा करते। अगर आप ये करते हैं ना कि जी मेरे पास सर 2 हलवाई की दुकानें, 1 फार्मास्यूटिकल कंपनी है और 4 रेस्टोरेंट्स हैं, आप किसी एक का काम भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास डेंटिस्ट्स का सोशल मीडिया हो रहा है और 150 डेंटिस्ट हैं, आई कैन बिलीव कि आप अच्छा काम कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको एक जैसा काम रेगुलर करना है, आपकी पूरी टीम की एक स्ट्रेंथ बन चुकी है, कन्वेयर बेल्ट बन चुकी है, तो काम एग्जीक्यूट करना आसान हो जाएगा। और तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट मशवरा है इन डिजिटल मार्केटिंग के लिए मेरा, वो ये है कि ये सब बातें समझ में आने वाली हैं, ठीक है, अब आइंदा फोकस AI की तरफ जाना है, आइंदा फोकस क्लाउड की तरफ जाना है। तो ये अगर आपकी स्ट्रेंथ ये है ना कि मैं फेसबुक के ऐड चला सकता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकता हूँ, गॉन आर द डेज, ठीक है, अब आगे बढ़ो। इन चीज़ों से ये अब सर्विसेज नहीं बिकती हैं, और अगले 2 साल में आप देखेंगे ये सर्विसेज बिल्कुल ख़त्म होती चली जाएंगी, प्लेटफॉर्म इतने खूबसूरत होते जा रहे हैं, ठीक है। सो स्टार्ट थिंकिंग ऑफ चेंजिंग योर बिजनेस इफ़ यू कैन, ठीक है। तो नई सर्विसेज की तरफ जाओ, चीज़ें बहुत बेहतर।